नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। जैसा कि आप सभी अभी तक फतेहपुर जनपद के असोथा थाना क्षेत्र के सरकंडी के बिक्रम सिंह को आप सब देखकर हैरान हो जाएंगे, जहां फायर ब्रिगेड टीम इस कुआं से बिल्ली निकालने में फेल हुए हैं। आज दूसरी बार एक बार फिर फायर ब्रिगेड टीम आई और पंपिंग सेट की व्यवस्था के लिए मोहल्ले वालों से कहते रहे, कुछ भी दिमाग नहीं काम किया। लेकिन बिक्रम सिंह, जो एक एनजीओ के तहत 7 सदस्यीय टीम काम करते हैं, वो अकेले ही आए और कमर में बेल्ट बांधकर, रस्सी बांधकर, टार्च लेकर नीचे गए और 5 मिनट में बिल्ली को पकड़कर लोगों को रोज रोज की समस्या से निजात दिलाने का काम किया। आप लोगों को बता दें कि यह बिल्ली का बच्चा छोटा सा था, रात के समय ये कुआं में चला गया था। हालांकि इस कुआं में पानी नहीं रहता, खागा मानू का पूर्वा के व्यक्ति ने जिला अधिकारी और सीएम पोर्टल में ऑनलाइन किया था। आए सुने क्या कहा रैक्शिव ऑपरेशन करने वाले बिक्रम सिंह की जुबानी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं वाइल्ड लाइफ सारे एनजीओ से हूँ जी। ये जैसा कि आप अभी एक बिल्ली कुएं से निकाला है और कई बार देखा है कि सांप वाप भी निकालते हैं, पकड़ते हैं, तो क्या ये आपका पेशा है या शौक है, क्या है? कुल मिला के एनजीओ है, कुल जीवों की रक्षा करते हैं हम लोग जी। मतलब कोई भी जीव हो, सांप हो या बिल्ली हो या कुत्ता हो, बंदर हो, कुछ भी हो, जिससे इंसानों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है या फिर उन जीव को दिक्कत हो सकती है, तो उसको हम रेस्क्यू करके उनके प्राकृतिक पुनर्वास में रिलीज करते हैं जी। ये आपको बुलाने के लिए कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा, कैसे संपर्क करें वो? आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा जी। किस नाम से? आप कुछ भी डालेंगे ना गूगल पर, सर्च करेंगे स्नैक रेस्क्यू टीम या एनिमल रेस्क्यू टीम जी, तो नंबर मिल ही जाएगा। ये आपकी टीम है कि अकेले ही करते हैं? टीम है हम लोग की जी। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। अच्छा, वैसे मूल निवास कहाँ है? सरकंडी। सरकंडी, ये असोथर थाना पर? हाँ, असोथर थाना।